हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और ये सवाल है आपके पासबुक से रिलेटेड। जब आप अपना पासबुक चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे एक पारा रहता है दोस्तों और वहाँ पे लिखा रहता है कि क्लेम अगेंस्ट पारा 69, 68, वहाँ पे 57, क्लेम अगेंस्ट 57B, कुछ इस टाइप का रहता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पासबुक में ये आपका भी लिखा होगा और लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, पार्टिकुलर्स में आपको पासबुक में इसका डिटेल दिखता है और वहां पे लिखा रहता है क्लेम अगेंस्ट पारा और वहां पे पारा का जो नंबर है वो आपको दे दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स का यही डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं दोस्तों और आपको सही जानकारी लेना है और अगर आपने ऐसा कुछ अपना पासबुक में देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा अगले 1-2 मिनट तक। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज हमेशा अपलोड करते हैं जिससे कि सभी पीएफ मेंबर्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ये पार्टिकुलर्स वाला जो यहां पे सेक्शन है दोस्तों, उसमें हमें यही बताया जाता है कि जो आपने वहां पे विड्रॉल किया है या फिर जो आपने वहां पे डिपॉजिट किया है वो किस लिए हुआ है, वो सब आपको पार्टिकुलर्स में देखने को मिलता है। लेकिन वो जो कभी कभी क्या होता है, जो पैराग्राफ है दोस्तों, वो बहुत लंबा हो जाता है जिसको कि हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो शॉर्ट टर्म है वो यहाँ पे ऐड किया जाता है, वो यहाँ पे अपडेट किया जाता है, एंटर किया जाता है, यानी कि सभी पैराग्राफ का एक एक यहाँ पे मतलब शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया गया और उस फॉर्म उस पारा का जो भी डिटेल है उसको एक मतलब छोटा सा स्मॉल मतलब वहां पे इंडिकेट करने के लिए दे दिया गया है कि इसी नंबर का जो पारा है उसमें ये वाला यहाँ पे पूरे डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक पूरा पैराग्राफ है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए, दर्शाने के लिए यहाँ पे छोटा सा फॉर्म यूज किया जाता है। अब बात आता है दोस्तों कि कौन सा पारा किसके लिए यूज होता है, उसका डिटेल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही सवाल है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा? जी हाँ, मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वहाँ पे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने एक पीडीएफ दे रखा है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है, ईपीएफओ की तरफ से आया हुआ पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या क्या रहता है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से एक आपको पीडीएफ मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, जब आप ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा वहां पे शो होगा। ठीक है, देख सकते हैं, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 का जो ये पीडीएफ है और चैप्टर वाइज यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। तो मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए दोस्तों सीधे आपको हम पैराग्राफ में ले जाते हैं कि जो ये हमें क्लेम अगेंस्ट पारा 68, 57 दिखता है वो क्या है। सबसे पहले चेक करेंगे 57 पारा के अंतर्गत क्या आता है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, इसको जूम आउट कर लीजिए और थोड़ा सा आप नीचे जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला आपको सीरियल नंबर दिख रहा है दोस्तों, वही है आपका जो पैराग्राफ आपको चेक करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं 57 आपको मिल चुका है, यानी कि जो भी आपको वहाँ क्लेम अगेंस्ट पारा 57 दिख रहा है उसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 57 वाला जो कॉलम है उसमें आपको क्या बताया गया यहाँ पे देख सकते हैं, 57 का जो कॉलम है दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स। इसका क्लियरली यही पता चलता है कि अगेन वहां पे अगर आपको क्लेम अगेंस्ट 57 दिख रहा है पारा 57, उसका मतलब है कि आप दो कंपनियों में काम किया है आपने, एक जो है वो दूसरा स्टेट है और एक जो है वो दूसरा स्टेट है। तो जब आपने जॉब स्विच किया तो पुराना पीएफ जो है वो ट्रांसफर होकर न्यू में ऐड हो गया है, इसलिए वहां पे क्लेम अगेंस्ट पारा 57 दिख रहा है, ताकि जो पुराना पीएफ है वो आपका न्यू पीएफ में आके जमा हो गया है या फिर जो भी हुआ है वो आपका वहां पे इसलिए दिख रहा है ताकि आपका जो ट्रांसफर है वो आपका कंप्लीट हुआ है, इसलिए वो पैराग्राफ वहां पे ऐड हुआ है। अब बात करते हैं जो दूसरा पैराग्राफ आता है 68 का, 68 का भी देख लेते हैं, नीचे आएंगे 68 यहां पे देख सकते हैं, 68 कभी ये आता है, कभी सी आता है, कभी यहां पे एल आता है, तो यहां पे जो एल एम एन सब कुछ आता है 68 में। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो आप लोगों ने देखा होगा वो इलनेस का जो क्लेम है उसमें आता है, तो यहां पे देख सकते हैं क्लेम अगेंस्ट जो 68 का जो इल है, एल में जो बताया गया वहां यहाँ पे देख सकते हैं ग्रांट ऑफ एडवांसेस इन एबनॉर्मल कंडीशंस। अगर आप पीएफ एडवांस निकाल रहे हैं तो वहां पे ये वाला 68 का जो एल जो पारा है उसमें ये बताया गया है, तो इतना बड़ा पारा वहां पे नहीं लिख के वहां पे शॉर्ट पारा लिख देता है, शॉर्ट जो फॉर्म है उसका वो लिख दिया जाता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 68 का जो एम है उसमें दिया गया कि ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर्स अफेक्टेड बाय कट इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे दिया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो शट डाउन होता है उसमें जो मतलब आपको दिया जाता है पावर कट में,
वो यहाँ पे 68 का जो M वाला ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ 68N का भी है, वहाँ पे लिखा गया कि ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए, अगर आप जैसे कि परचेस ऑफ इक्विपमेंट जो होता है, जैसे कि आप जब फॉर्म 31 करेंगे तो वहाँ पे एक हैंडीकैप का भी ऑप्शन आता है, तो उसमें अगर आप PF निकालेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा आएगा कि क्लेम अगेंस्ट 68N का वहाँ पे आपको पारा देखने को मिल जाएगा। तो अगर किसी में भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि क्लेम अगेंस्ट पारा समथिंग कह के वहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है, तो आपको यही PDF डाउनलोड कर लेना है और इसी PDF में आपका सारा कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन सा पारा किसके लिए है, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया रहता है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी PF मेंबर्स को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको करना क्या है, एक काम जरूर कर देना है, इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक PF मेंबर है तो PF से जुड़े हुए बहुत सवालों के जवाब और बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट अपलोड किए जाते हैं और सवालों का जवाब भी दिया जाता है। इसलिए PF मेंबर्स को तो ये चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।